हम सभी ने पास्ता तो बहुत बार खाया है, क्या आपने कभी पापड़ पास्ता खाया है विद लॉट्स ऑफ स्टफिंग ऑफ पनीर एंड ऑलिव्स। हेलो दोस्तों, मैं रितिका आज फिर आप सभी के लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, पापड़ पनीर पास्ता। तो चलिए देखते हैं पापड़ पनीर पास्ता बनाने की रेसिपी क्या है। पापड़ पनीर पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक पैन में दूध लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ मिक्स्ड हर्ब्स, आधी चम्मच चिली फ्लेक्स, ग्रेटेड जिंजर, एक चम्मच विनेगर। आप दही या फिर नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मार्केट वाले पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमारा पनीर निकल चुका है, अब हम इसको एक छन्नी में छान लेंगे। और जो ये पानी निकला है पनीर से, इसको फेंके ना, इससे या तो आटा लगा लें या फिर चावल बना लें। इस पानी को इडली में और सब्जी की ग्रेवी में भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे वाइट सॉस। इसके लिए मैंने एक पैन में एक चम्मच बटर लिया है। जब बटर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए तो अब हम ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच मैदा। आप चाहे तो आटा भी ले सकते हैं, आटे से वाइट सॉस मैंने अपनी पहली वीडियो में बनाई हुई है। मैदा और बटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब थोड़ा सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा तब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। आज मैंने कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं ली है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब जितना आपको पनीर निकालना है, जितनी आपको वाइट सॉस चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बट एक चम्मच मैदा के लिए मैं आधा गिलास दूध यूज़ कर रही हूँ वाइट सॉस में। अब हमें दूध और मैदा को अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो इसमें लम्ब्स बने हैं वो निकल जाएं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़े से ऑरिगैनो और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस फ्लेम लो ही रखें। देखिए हमारी वाइट सॉस जो है वो गाढ़ी होनी स्टार्ट हो चुकी है, तो बस इस स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे और हमारा वाइट सॉस रेडी है। अब पापड़ रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने जो हमारे राउंड वाले पापड़ होते हैं उनको स्क्वायर में कट कर लिया है। और अब देखिए मैं इसको डिप कर रही हूँ पानी में, 3-4 बार पानी में डिप करें और फोल्ड करके देख लें कि पापड़ जो है हमारा फोल्ड हो रहा है कि नहीं। आप ये काम गर्म पानी के साथ भी कर सकते हैं। पापड़ जो है वो फिलिंग के लिए अब बिल्कुल रेडी है। मैंने पापड़ को बटर से ग्रीस कर लिया है और जो हमने पनीर रेडी किया था उसकी फिलिंग करेंगे अब हम। इस पनीर को आप अच्छे से सेट कर और उसके स्लाइसेस कट करके ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं यहाँ पर कुछ ऑलिव्स लगा रही हूँ और अपना पापड़ रोल बंद कर रही हूँ। यह हमारा एक पापड़ रोल रेडी है। अब सेकेंड पापड़ की तरफ चलते हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी पास्ता सॉस लगाई है, आप चाहे तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। आप पास्ता सॉस की जगह टोमेटो केचप या रेड चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। When I was making this recipe, I was in doubt कि अच्छी बनेगी कि नहीं, but thank God अच्छी बन गई, बहुत अच्छी बन गई इवन। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, सबको बहुत अच्छी लगेगी। इसे अच्छे से बंद कर देंगे और एक रोल रेडी करेंगे। इस पनीर से मेरे 3 रोल्स रेडी हुए हैं। अब हम एक शार्प नाइफ लेंगे और पापड़ को पीसेस में कट कर लेंगे। अगर पीसेस कट करते टाइम थोड़ी बहुत स्टफिंग निकलती है तो कोई बात नहीं, उसको आप निकलने दीजिए, आराम से पापड़ कट करिए। जो स्टफिंग बचेगी हम उसको पापड़ के ऊपर यूज़ कर लेंगे। सभी पापड़ के पीसेस कट हो चुके हैं। अब हम एक बेकिंग डिश लेंगे, आप चाहे तो केक टिन भी ले सकते हैं या कोई ग्लास डिश ले सकते हैं। बेस में हम अपना वाइट सॉस लगाएंगे अच्छे से और जो हमने अभी पीसेस कट करे थे उनको अच्छे से सेट कर देंगे। आप पनीर में ग्रेटेड कैरेट्स, अनियंस भी यूज़ कर सकते हैं। सारे पापड़ रोल्स बेकिंग डिश में लग चुके हैं। अब इन पापड़ रोल्स के ऊपर मैं थोड़ा सा वाइट सॉस डाल रही हूँ, थोड़ा सा ग्रेटेड चीज़ डाल रही हूँ। पापड़ में ऑलरेडी सॉल्ट होता है तो इसलिए मैंने वाइट सॉस में चुटकी भर नमक ऐड किया था। अब ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे और 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। हमारा पापड़ पनीर पास्ता बेक होने के लिए तैयार है।
15 मिनट हो चुके हैं, मैंने अपना पापड़ पनीर पास्ता ओवन में से निकाल लिया है। हमारा क्रीमी चीज़ी पापड़ पनीर पास्ता रेडी है। अगर आप सबको यह रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दे, और नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दे, बट सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।